दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है, चेस्ट के साथ साथ आपने शोल्डर और ट्राइसेप इनकी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। आप बॉडी बिल्डिंग करें या पावर लिफ्टिंग, आपका स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है तो मसल मास जल्दी आप गेन कर पाएंगे। देखो, जब आप बेंच प्रेस लगाते हैं तो चेस्ट का मसल तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, एक्सरसाइज उसी की है, लेकिन जब आप बार को नीचे उतारते हैं, चेस्ट पे लेके आते हैं, तो आपका रियर डेल्ट आपको कंट्रोल देता है कि आपके कंट्रोल में बार उतरे। और जब आप पुश करते हैं चेस्ट पे से बार को, जो पुश करते हैं इनिशियल पुश, वहाँ आपका फ्रंट डेल्ट सबसे ज़्यादा वर्क करता है। फिर जैसे जैसे बार ऊपर आएगी आपका चेस्ट का मसल इन्वॉल्व होता है, और एट द एंड फिनिशिंग पॉइंट के आसपास आपका ट्राइसेप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो कई पावर लिफ्टर भी जो लॉकिंग टाइम पे फेल होते हैं ना, रीज़न ये है कि ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये तीनों पार्ट की ट्रेनिंग करेंगे आप रेगुलरली, की स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो आपकी बेंच प्रेस स्ट्रॉन्ग होगी। इस पे फोकस करें। थैंक यू।